सूरज क्या आपने भी क्रोम ब्राउजर से कोई ऐप डाउनलोड किया है, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो, इंस्टॉल करने की जैसे आप कोशिश कर रहे हो उसके बाद जो आपका ऐप है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, वहाँ पे पार्सिंग पैकेज की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा लिखा रहा है जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद आपका जो ऐप है वो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आगे भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे तो वो भी आसानी से इंस्टॉल होने वाला है। तो क्या होने वाली ट्रिक सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर लीजिए लाइक। सो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको करने का है, सबसे पहले तो आपकी जो मोबाइल की सेटिंग्स होती है उसमें आपको आ जाना है। जैसे आप सेटिंग्स में आ जाते हैं उसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है अननोन। जैसे आप अननोन लिख के सर्च करते हैं उसके बाद आपके सामने ये वाला फोल्डर आता है तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने ये वाली सेटिंग आती है तो इसको आपको ऑन कर देना है। अगर ये क्रोम ब्राउजर पर ऑफ है तो क्रोम ब्राउजर को इसको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर देते हैं उसके बाद आ जाना होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद फिर आपको अपने जो प्ले स्टोर है उसमें चले जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हैं उसके बाद आपको जो आइकन आता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ से आपको प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपने इनको टिक कर रखा है तो इनको आपको अनटिक कर देना है, यानी इनको टिक को हटा देना है। जैसे आप ये कर देते हैं उसके बाद अब आपको करना क्या है, होम स्क्रीन पर आ जाना है। आने के बाद आप जो भी ऐप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको करना क्या है, उस ऐप को डिलीट कर देना है। जस्ट बिल्कुल डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको उसी ऐप को किसी दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी। सो अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी होगी। अगर आप वीडियो पर लाइक चेक हो देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।